नैन्सी, आकृति, मनीषा इज यस हियर नॉट? यस सर, यस सर, हाँ, यस सर। जस्ट आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि मैटरनल डेथ रेट, मैटरनल डेथ रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज इट इज जस्ट मैटरनल डेथ रेट, दीज रेट्स आर कंसर्निंग विद द गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिकल डिपार्टमेंट. यू हैव टू नो व्हाट इज द गायनेकोलॉजी, यू नो इट, व्हाट इज द ऑब्स्टेट्रिक, यू नो इट, बट व्हाट सर्विसेज शुड बी गिवन, इट इज नॉट, आई थिंक इट इज अ, आई विल टेल यू व्हाट आर द सर्विसेज विच शुड बी गिवन बाय द ऑब्स्टेट्रिशियन एज वेल एज द गायनेकोलॉजिस्ट. तो जस्ट यू नोट डाउन समथिंग जस्ट आई गिव इन डिक्टेशन, इफ व्हाट सर्विसेज आर टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन एज फार एज सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय देम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ द वुमेन हु एडमिट्स इन द हॉस्पिटल फॉर डिलीवरी पर्पसेस, राइट? तो जस्ट नोट डाउन योर आंसर. आर यू लिस्निंग ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर। आप ये जस्ट यू नोट डाउन योर, इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन देन यू आस्क आफ्टर गेटिंग दिस डिक्टेशन टू यू. ठीक है, सर्विसेज इट इज नॉट, जस्ट यू कैन नोट डाउन गिव व्हाट आर द सर्विसेज, जस्ट यू कैन गिव द हेडिंग जस्ट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. टू असिस्ट द मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर्स. सर ये हो चुका है सर, ये आपने लिखाया हुआ है क्या लिखा है पढ़े? सर। वेट सर, सर्विसेज गिवन बाय द क्लिनिकल डिपार्टमेंट टू असिस्ट द मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, मेडिकल नहीं, रिकॉर्ड, मेडिकल। क्लिनिकल. हाँ नैन्सी, फॉर क्लिनिकल डिपार्टमेंट. यस क्लिनिकल सर, यस डिपार्टमेंट, क्लिनिकल डिपार्टमेंट, सो मेनी डिपार्टमेंट, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, ईएनटी, गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन, दीज ऑल द क्लिनिकल डिपार्टमेंट आर इंक्लूडेड. लेकिन एज वेल एज आई एम गिविंग द स्पेसिफिक सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाई द गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन. ओके सर, ओके सर, जब फॉलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विच आई हैव गिवन नोट्स बिफोर एंड नाउ विच आर एम गिविंग टू यू. ओके ठीक सर, है, हाँ लिखे हैं आप. टू ओके सर, असिस्ट द मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर. विद इन ब्रैकेट मेडिकल रिकॉर्ड लाइब्रेरियन. ब्रैकेट क्लोज. इनकरेक्टली इंटरिंग केसेस. सर इन काजली सर करेक्टली जी, आई थिंक. हाँ, करेक्टली एंटरिंग केसेस. Correctly entering cases in the proper services or disease classifications column on the daily analysis worksheets. Sir, disease. Disease classifications column on the daily analysis worksheets. सर एनालिसिस के बाद क्या बताया आपने? वर्कशीट, जो ओके आप सर, वर्कशीट है, वर्कशीट बनती है, बट द वर्क इट इज जस्ट स्पेसिफाइड इन दैट कॉलम. आप जस्ट नॉट डिस्कस अबाउट द वर्कशीट बिकॉज
It is not time to for discussion. You note down whenever I get the time. You all discuss about the worksheet which is elected, which is given, which is completed by the gynecologist of section. Right. Next paragraph se likhe, since some diseases could be treated more than one in such cases comma karke likhe in such cases the therapy may be determining factor for allocation to a specific service. Likh liya? Have you written? Yes, sir. Next heading डालिए gynecology. हेलो सर. हाँ गायनोकोलॉजी डाला है हेडिंग. यस सर. टू इंक्लूड ऑल डिसीजेस एंड कंडीशंस. हाँ सर. सर ये नोट डाउन हो चुका है सर. गायनोकोलॉजी और न्यूबॉर्न दोनों ही हेडिंग हो चुकी है. न्यूबॉर्न की भी हो गई. यस सर. ये सारे. यस सर. अच्छा ऑब्स्टेट्रिक्स रह गई थी सर. यस सर. काजल टू इंक्लूड ऑल डिसीजेस. काजल आई थिंक इज नॉट हियर. काजल आर यू लिसनिंग? यस सर. ओके. टू इंक्लूड ऑल डिसीजेस and condition of pregnancy comma labor and puerperium whether normal or pathological pregnancy with conception and the puerperium ending. Full stop. In so far
एज इट कंसर्न्स सीओ एन सी ई आर एन एस कंसर्न्स द पेशेंट एडमिटेड फॉर डिलीवरी. With discharge from the hospital. Have you written all of you? Yes, sir. The last बोल दीजिए discharge के बाद for the hospital. Discharge from hospital. From hospital. हाँ, जैसे ऑलरेडी डिस्कस यू के एज फार एज गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन बोथ आर द सेम, लेकिन देयर इज अ गायनेकोलॉजिकल एडमिशन, डॉक्टर बिकम द गायनेकोलॉजिस्ट व्हेन द ट्रीटमेंट इज गिवन बाय द गायनेकोलॉजिस्ट एज अ डिसीज कंसर्निंग विद ए फीमेल जेनिटल ऑर्गन. And when patient get the admission for the delivery, then the part of obstetrician is being started. I think now you are very clear about that. What is the difference between obstetrician services and gynecological services? I think it is very clear to you. Any doubt if you are having, you can ask to me. कोई doubt है? No sir. No sir. No sir. Now then give the next heading, delivered in hospital. Manisha लिख रही है? Yes. Manisha लिख रही है? देख रही हूँ. हेडिंग डाली डिलीवर्ड इन हॉस्पिटल. टू इंक्लूड मदर्स फॉर होम द प्रेगनेंसी हैज टर्मिनेटेड इन द हॉस्पिटल. सर रिपीट कर दीजिए. To include mothers for whom the pregnancy has terminated in the hospital. Comma, regardless of whether the infant is alive. A live birth or a fetal death. रिटन सब लोगों ने लिख लिए? यस सर. यस सर. नेक्स्ट हेडिंग डालिए एडमिटेड आफ्टर डिलीवरी. Admitted after delivery. Heading Dali. Yes, sir. Right, to include
मदर फॉर होम टू इंक्लूड मदर फॉर होम द प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड बिफोर रीचिंग हॉस्पिटल comma regardless of whether the infant is alive birth or a fetal death. Just you note down, just I give the explanation as per what I have given the definition are in over headings. Check aborted लिख लिया सब ये फीटल डेथ यस सर एवरीबॉडी हैज रिटन यस सर मनीषा मनीषा नहीं सर ओके एडमिटर हाँ नेक्स्ट हेडिंग डालिए अबॉर्टेड हेडिंग लिख ली यस सर यस सर टू इंक्लूड मदर्स For whom the pregnancy had terminated under the time specified by our health agencies. For viable infant, VIABLE infant, सब लोगों ने लिख लिया नैन्सी मनीषा यस सर यस सर यस सर आकृति काजल यस सर आई थिंक जस्ट व्हेनेवर यू हैव गॉन थ्रू द डेफिनेशन व्हिच आई हैव गिवन अ डिक्टेशन फॉर यू एवरी डेफिनेशन हैज गॉट कंफ्यूजन योर माइंड यू कैन नॉट If everything is clear to you, then I will continue for formula of maternal death rate. इसमें कोई चीज जो नहीं क्लियर है anybody want to ask anything? No, sir. Manisha? मनीषा जी सर पूछना तो नहीं है नो सर नो सर हाँ नैन्सी आपको भी नहीं काजल आकृत किसी को पूछना है नो सर नॉट नाउ सर हाँ आई थिंक इज बिकॉज आई एम डिस्कसिंग ए मैटरनिटी डेथ रेट आई विल डिस्कस विद द नोट व्हिच आई हैव गिवन टू यू यू जस्ट Go on the notes which is I have given to you, because gynecologists and obstetrician services are very essential, which is given by themselves. Because no doubt, whenever you do your internship, fortunately, internship is from the institute as
our respective vice chancellors is given, this internship may be performed in institute, then I'll just give the notes, not the just form of labor record, which is just completed by the gynecologist in the hospital. Which not complete, which should be completed. One thing is a very important thing, the word which I am using, what is the recorded, I don't know what is the recorded at that time by the gynecologist and obstetrician during a delivery period. But what are the norms with the forms which has been approved by the WHO? I will give you the format of that form. And you will be also very clear about that, what is that done by the gynecologist and obstetrician. Because everything is to be noted by the gynecologist or by the unit of herself. ठीक है कि इट इज वेरी नो डाउट व्हेन यू आर डूइंग द योर इंटर्नशिप आउट ऑफ दिस हॉस्पिटल यू आर आउट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट आई एम नॉट एक्सपेक्टेड कि एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट दिस मेडिकल रिकॉर्ड बट इट इज अफॉर्चुनेट एनफ इफ यू आर कम इफ यू आर टू बी कंप्लीटेड योर इंटर्नशिप इन द इंस्टीट्यूट देन यू आर फॉर्चुनेट एनफ टू गेट द मोर नॉलेज as far as the clinical department is concerned. And all the formalities, all the record which is to be completed, you will be very clear, because no doubt I have given the notes to you. If these are the things which should be completed. But you have not seen whether this information is completed in all respect or not. You go through to this. And no doubt it is very appreciable. Some gynecologists and obstetricians are very clear about the records which should be maintained by themselves during the delivery period of the patient. Right? Clear ho gaya? So, bhai, yes. Haan, main, aap form mein mat, us pe aaiye. हाँ ये मैटरनल डेथ रेट ऑल ऑफ यू आर सीइंग द मैटरनल डेथ रेट सब लोग देख रहे हैं भाई आप जैसे आई एम जस्ट रीडिंग एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ एनी डाउट यू कैन आस्क आई विल डिस्कस द थिंग द रेशियो ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम to the total number of obstetrical patients discharged during that time. One thing is very important, obstetrical patient. It means that the cases, the patient is related with the obstetrical department, obstetrical services is concerned, not by gynecological. But yet very key, as per when the patient get the admission for delivery in the hospital and the delivery itself as well as the afterwards, the perium period is all the thing after discharge of the patient. Obstetrician gives her consent about how to the path and what steps should be taken by that patient. Theek hai? A maternal death is not necessarily an obstetrical patient who has been delivered. An obstetrical patient dying before delivery of a cause due to pregnancy is maternal death. Dying before delivery, agar delivery se pehle death ho jati hai, so that will be caused as maternal death. Just as much as are who dies after delivery. जो पहले हो जाती वो भी मैटरनल डेथ में भी होती है और जो बाद में होती वो भी मैटरनल डेथ में होता है ठीक है डिलीवरी से पहले डिलीवरी के बाद
नेक्स्ट रहेगा लाइकवाइज ए वुमेन हु डाइज फॉलोइंग एन अबॉर्शन इज जस्ट मच एज ए मैटरनल डेथ एज वन हु कैरीड थ्रू एंड डिलीवर्ड ए वाइबल इन्फेंट. अगर अबॉर्शन के बाद डेथ हो जाती दैट विल ऑल्सो कॉज ए मैटरनल डेथ. ठीक है नेक्स्ट पैराग्राफ है फॉर पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ द नेशनल ऑफिस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स कंसीडर्स ए मैटरनल डेथ एज वन इज विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी कॉमा चाइल्ड बर्थ आर ऑफ द प्यूपेरियम वॉज द कॉज ऑफ आर gave rise to condition which caused the death. It also classified death resulting from abortion as maternal death. This is a very clear कि R gave rise to condition. ऐसे condition develop हो जाती हैं because as per the delivery cases is concerned, no doubt ataxia वो one thing may be any death due to high blood pressure and all things. Any condition can be that if the patient is hypertensive. No doubt during the pregnancy before the blood pressure is concerned it is rises up but not up to this extent. So what's the condition? Maybe nobody knows, even the doctor doesn't know when the patient is admitted under them. But it is if it happens due to any reason because occasionally developed at the time of delivery or before delivery after delivery then mother patient died then will be noted as the maternal death rate. ठीक है क्लियर हो गया भाई? Yes sir. Yes sir. Because basically these are things I have not discussed but it is a very much just I have given ki whenever just give that tip you note down if you are posted in the hospital as per the medical record personal then you have to be very clear cut about the obstetrical and gynecological record and it is a new thing will be and it is very essential whenever you meet as a gynecologist in the hospital then you can learn what I have given the dictation according to the dictation which I am giving to you can also just get the knowledge from the hospital डॉक्टर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल. ठीक है जो मैं व्हाट आई एम गिविंग द इंफॉर्मेशन व्हाट इज गिविंग द नोट्स इट इज वेरी क्लियर टू यू जस्ट टू गेट द ऑल द थिंग कैन बी कंफर्म बाय द कंसर्न डॉक्टर अंडर होम द पेशेंट इज एडमिटेड. ठीक है ये सारी चीजें हैं अगर इफ यू डू योर एंट्रेंस इन द इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस. नेक्स्ट अब आप जैसे नेक्स्ट पेज पढ़िए द फॉर्मूला फॉर मैटरनल डेथ विद इन ब्रैकेट परसेंटेज द फॉर्मूला इज देख रहे हैं सब लोग क्यों भाई? यस सर. यस सर. आकृति देख रही है? यस सर. हाँ टोटल नंबर ऑफ डेथ ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल पेशेंट फॉर पीरियड multiply by 100 upon total number of discharges within bracket with death and death भी देख ले मैंने भी बोले आपको पहले भी बढ़ाया है death is also kind of discharge आपको मालूम है death is also included in the discharge. Yes sir. Yes sir. Yes sir आपने बताया है. हाँ आप obstetrical patient for period जितने नंबर ऑफ जितने भी पेशेंट विद डेथ भी जिनकी हो गई है वो डिस्चार्ज हुए हैं हॉस्पिटल से. तो अगर आप एग्जांपल मैं दे रहा हूँ एग्जांपल मेरा कल उसमें जस्ट नोटेड है ब्लैंक हॉस्पिटल हैड वन मैटरनल डेथ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एंड डिस्चार्ज 185 ऑब्स्टेट्रिकल पेशेंट विद इन ब्रैकेट इंक्लूडिंग डेथ Access according to the formula one has been substituted
वी गॉट टोटल नंबर डेथ ऑफ ऑफिशियल पेशेंट, एक मरीज मरा है 100/185. अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, यू नो वेरी कैलकुलेशन, यू आर ऑल ऑफ ए मास्टर बिकॉज यू आर हैविंग योर मोबाइल ऑन योर हैंड, देन यू गेट द 0.54%. ठीक है, ये कैलकुलेशन आप लोग करके भी देख लीजिएगा अलग से, बिकॉज इट इज नॉट टू बी जस्ट लर्न, इट इज जस्ट टू गो थ्रू ऑन द पेपर्स एंड गेट द कंफर्मेशन कि यू आर एबल जस्ट टू कैलकुलेट द मोर्टेलिटी डेथ रेट. ठीक है, आप कर भी लीजिएगा है तो, लेकिन फिर भी अब नीचे ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फॉर द मैटरनल डेथ रेट फॉर ब्लैंक हॉस्पिटल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ऑब्जेक्टेड टू इंक्लूड ऑल द डिसीजन एंड कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी काम लेबर एंड द प्यूरपीरियम वेदर नॉर्मल और पैथोलॉजिकल प्रेगनेंसी commencing with conception and the peripherium ending in so far as it concerns the patient admitted for delivery with the discharge from the hospital. No doubt that the labor just I have given for my help, and you are just also getting the note which I am including next up. You, what is the labor? Very thing, when you go to 3, you can also know the, about the labor, what is the labor. ठीक है, अगर आप ये नोट पढ़ लेंगे तो आपको लेबर भी नीचे है, ये एक्स्ट्रा नोट्स है वो आप पढ़ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा. विल नॉट हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट द लेबर इज कंसर्न, व्हाट द पार्ट ऑफ लेबर एज पर द डिलीवरी एंड प्रेगनेंसी इज कंसर्न. ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? डेथ रेट है, इन्फेंट डेथ रेट. सर इन्फेंट डेथ रेट, ये आपको क्लियर हो गया? ये इन्फेंट डेथ, हाँ इन्फेंट डेथ रेट मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर आप लास्ट में जो पूछना पूछ लीजिएगा. ठीक है, इन्फेंट डेथ, द रेशियो ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट बॉर्न इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड of time to infant discharge including death during that time. The formula for figuring the percentage is total number of death of infant within bracket of, it is very clear, born in the hospital mein hi born kiyenge, theek hai, infant jo born hospital mein after admission born for a period multiplied by 100 upon total number of infant discharge including death for that period. Example, आप पढ़िए, during the month of November 235 infants were born in hospital and one died. 235 infant delivered in which one died. In the terms of the formula given above, is 1 multiplied by 100 upon 235, then after calculation you get 0.43%. just to put down the sign of percentage last mein hai bhi, lekin aap 40.43, aap 0.43 padhenge ki 0.43 padhenge? Kyun bhai Nancy? Yes sir, आपने जो कैलकुलेशन मैंने करा है 0.43 पढ़ेंगे कि 0.43 पढ़ेंगे? सर 43 होगा. सर 43 होगा. क्या होगा सर? 0.43, 43%. 43 पढ़ोगे कि 43 पढ़ोगे? सर 43 पढ़ेंगे आई थिंक. हाँ हाँ ठीक है, ठीक है. बिकॉज आफ्टर डेसिमल यू हैव टू राइट डाउन 43. यस सर. नेक्स्ट है 8, न्यूनेटल डेथ रेट. ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूँ, जस्ट यू लिसन टू मी. द रेशियो ऑफ इन्फेंट डेथ रेट
occurring within 28 days. Observation, ma, you have to pay your attention, occurring within 28 days of birth for given period to infant born during that period, because few hospitals have an adequate follow-up system on their patients. It is impossible for the majority of the hospital to figure their actual neonatal death rate. Most hospitals consider their infant death rate as their neonatal death rate. This is officially not correct. Hospitals in urban areas where the Department of Maternal, within bracket is aap clear kar de, main relating to mother, theek hai, bracket close, welfare or infant welfare, visit the hospital, examine the medical records of all infants who have died after discharge, but within a neonatal period, or a hospital having same type of adequate follow-up on a newborn infants are the only ones which can accurately compute. Maine likh rakha hai computer, I have given the note which I have prepared for myself. I'm giving to, because it is not, I'm not giving the dictation to you, but you can follow and understand what I have written. Because the thing which is clear and within the bracket, and these all the thing is my personal note which I have been prepared, and not just I'm teaching whenever giving the note, because it is very important for you. You can understand very easily as a notes, because there is a nothing which I have left to not to be understood by yourself. You can understand, and no need to get any further complication or go to the medical dictionary. These all the things, it is very easier for you, because everything you have get on my notes. Theek hai? And I think whenever you in position to teach, you will also maybe the good teacher to just explain the thing which I have given as a note. You will be also master better to explain all the things as far as that death rate is concerned. Clear, bhai? Manisha, Manisha, clear? Yes, sir. कहाँ तक मैंने बता दिया है, लिखा है तो फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द न्यूनेटल डेथ रेट इज, अब जरा फॉर्मूला देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ अकरिंग विद इन 28 डेज, वे इम्पोर्टेंट टाइम इज जो मैंने पहले कहा था कि 28 दिन के अंदर, अगर 28 डेज के अंदर डेट ऑफ बर्थ फॉर गिवन पीरियड, अगर 28 बर्थ के बाद 28 डेज के अंदर डेथ हो जाती है तो दैट विल बी कॉल्ड ए इन्फेंट डेथ रेट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यू बॉर्न इन्फेंट डिस्चार्ज इंक्लूडिंग डेथ ड्यूरिंग दैट पीरियड. एग्जाम्पल अब पढ़ रहा हूँ, देखिए आप लोग. कंटिन्यूइंग विद द एग्जाम्पल गिवन अंडर इन्फेंट डेथ रेट, वी फाइंड लेटर दैट इज एडिशन टू द वन विद इन ब्रैकेट वन इन्फेंट डाइड एट home within a neonatal period within a 28 days, that this hospital had two neonatal death during the month of November. One newborn died in hospital, one in home after discharge of the patient. Ek mari jo, ek bacha jo hai wo हॉस्पिटल में ही डाइड करता है, दूसरा डिस्चार्ज होने के बाद मिलता है तब वो डिस्चार्ज है, लेकिन दोनों इंक्लूड होंगे कि 1 + 1 = 2. अब टोटल नंबर ऑफ न्यू बॉर्न इन्फेंट डिस्चार्ज टू, अब एग्जांपल आप हॉस्पिटल में देख लें, टोटल नंबर ऑफ न्यू बॉर्न इन्फेंट डिस्चार्ज 235 इन्फेंट, अगर फार्मूले में रखें अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डेथ हो गई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 235. अगर कैलकुलेट करके, कैलकुलेशन भी आपको साइड में दिया हुआ है, दैट विल कम टू 0.85. देख लिया 0.85%. दस द न्यूनेटल डेथ रेट फॉर दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल वाज 0.85% डेथ ऑफ न्यूनेटल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर.
नोट भी है, जनरली हॉस्पिटल नेवर शो द न्यू बॉर्न डेथ एट होम, दिस न्यू बॉर्न चाइल्ड डेथ रेट इज मिनिमाइज बाय हॉस्पिटल। जो बाहर जाके डेथ हो जाती है वो जनरली हॉस्पिटल शो नहीं करते हैं। ये चीज है, यू हैव टू कीप इन दिस योर माइंड, बिकॉज जो हॉस्पिटल में डेथ होती वो तो शो करते हैं, लेकिन अगर हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाने के बाद डेथ हो जाती उसे शो नहीं करते हैं विद इन 28 डेज। प्रिपेरियल पीरियड में है अगर डेथ हो जाती तो दैट शुड बी काउंटेड, बट मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल इन द इंडिया नेवर शो द इन्फेंट विच डाइड आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ द मदर। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? यस सर। हेलो, हाँ अब yes, कुछ sir, पूछना हो तो पूछ लें। एवरीथिंग इज आई थिंक इज क्लियर एंड एज पर योर नोट्स इज कंसर्न इट इज आल्सो वेरी क्लियर। एंड इफ एनीथिंग आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ दैट, बट यू शुड बी द मास्टर एज पर योर पेपर 303 एंड 302। You should all know about it and go to the note which I have given to you. And a doubt, any doubt you have, you can ask any time to me. Title सभी लोगों के लिए अच्छी तरह पढ़ें and just go for preparation of the final examination. ठीक है? Yes sir. सारी तैयारी करिएगा, अच्छी तरह करिएगा, जिससे yes, आप लोगों के अच्छे नंबर आएं. Okay sir. ठीक है? Thank you sir. इसी के साथ फिर मैं क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, वेलकम 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 मनीषा, वेलकम काजल, आकृति, थैंक यू सर, नैन्सी की।